ग्वालियर में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के विधानसभा क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। हाथों में पंखा लेकर हवा करते हुए कांग्रेस ने बिजली कटौती के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर लगातार दावा करते हैं कि प्रदेश में कहीं भी अघोषित बिजली कटौती नहीं हो रही है, लेकिन उनके ही शहर ग्वालियर के लोग इससे जूझ रहे हैं। नाराज कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर हाथ के पंखे से हवा करते हुए बिजली घर के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा ने बताया कि शहर में लगातार हो रही घोषित अघोषित विद्युत कटौती, मनमानी विद्युत बिलों के कारण जनता परेशान है, लेकिन सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक जनता की परेशानी दूर नहीं होती, कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा। भाजपा के राज में जनता के पंखा आ गया हाथ में। जिस प्रकार से लगातार अघोषित विद्युत कटौती हो रही है, एक आम जनजीवन एक तरफ गर्मी से बेहाल और अघोषित विद्युत कटौती, कहो रात भर लाइट गायब हो जाए, कहो रात के 2 बजे चली जाए, कहो सुबह 4 बजे चली जाए, चाहे दोपहर में चली जाए, जो लगातार अघोषित विद्युत कटौती से जनता बेहाल है उसके विरोध में, और मनमाने बिजली के बिल, अनाप शनाप बिजली के बिल जो थोपे जा रहे हैं, चाहे जब विद्युत दरें बढ़ा दी जाती हैं, वो जो जनता को परेशान किया जा रहा है उसके विरोध में हमारा ये धरना है, हमारी मांग है कि अघोषित विद्युत कटौती बंद करो, मनमाने बिजली के बिल देना बंद करो और जनता को प्रताड़ित करना बंद करो। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।